सोलन के शूलनी मेले में कलाकारों की प्रस्तुति को लेकर दर्शकों से मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। दर्शकों का जहां एक ओर कलाकारों को पसंद किया जाना अच्छा माना जा रहा है, वहीं कुछ दर्शकों का कहना है कि उनकी प्रस्तुति से वे काफी आहत हैं। उनका मानना है कि हजारों दर्शकों के बीच कलाकारों को अपने गीत का चयन ठीक ढंग से करना चाहिए। ऐसे गानों को नहीं गाना चाहिए जिससे युवाओं पर गलत असर पड़े और वे अपनी राह भटक जाएं। सोलन के शूलनी मेले में कलाकारों की प्रस्तुति को लेकर दर्शकों की मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। दर्शकों को जहां एक ओर कलाकारों की प्रस्तुतियां बेहद पसंद आ रही हैं, वहीं कुछ दर्शक कलाकारों की प्रस्तुति से आहत भी नजर आए। उनका मानना है कि हजारों दर्शकों के बीच कलाकार को अपने गीतों का चयन ठीक से करना चाहिए और ऐसे गानों को नहीं गाना चाहिए जिससे युवाओं पर गलत असर पड़े और वे अपनी राह भटक जाएं। कलाकारों के प्रति अपनी राय देते हुए दर्शकों ने कहा कि बड़े कलाकार युवाओं के मार्गदर्शक होते हैं और जो वे कहते हैं वे उसी राह पर निकल पड़ते हैं। उन्होंने कहा कि एक तरफ सरकार नशे के खिलाफ है तो वहीं राज्य स्तरीय मेले में हजारों दर्शकों के बीच अगर गायक नशे के गाने गाए तो इससे युवा का पथ भ्रष्ट होगा। इसलिए गायकों को जिन्हें युवा अपना आइडल मानते हैं उन्हें सोच समझकर अपने गीतों का चयन करना चाहिए। वहीं युवती ने कहा कि वे अपने प्रदेश के गायकों को सुनकर बेहद खुश हैं और प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि से बेहद अच्छे काम किए हैं। बस एक बात जो आखिरी इस पूरे कार्यक्रम में कि जो भी गायक हैं बार बार हम नशे से बचने की या यूथ को नशे से दूर रखने की बात करते हैं, लेकिन युवा जो यूथ आइकन है इन्हें नशे से जैसे बोतल रह गई ठेके पीनी है पीनी है पीनी है आदि ऐसे बहुत से गाने या सुटा ऐसे ऐसे उससे बचना चाहिए, इन गानों से बचना चाहिए क्योंकि युवा वर्ग जो है इन्हें फॉलो करता है। तो ये यूथ आइकन है, ये खुद एक आइडल बन के आए हैं, तो अगर इन गानों को से परहेज किया जाए और इन गानों से बचा जाए तो ये बेहतर रहेगा। बाकी प्रशासन ने ये बहुत अच्छा किया है कि स्थानीय कलाकारों को इसी तरह मौका मिलता रहे, क्योंकि बाहर के कलाकार बाहर ये बाहरी राज्यों में यहाँ के कलाकारों को इतना तवज्जो नहीं दिया जाएगा। तो ये हमारा राज्य स्तरीय महोत्सव है, इसमें बहुत से कलाकारों को मंच दिया जा रहा है, एक बहुत अच्छी बात है। जो सारे अरेंजमेंट्स हुए थे वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बहुत अच्छे थे। इनफैक्ट गर्ल्स के लिए भी मतलब काफ़ी सिक्योरिटी वाले इश्यूज थे तो वो काफ़ी अच्छे से मैनेज हुआ था। और जो जितने भी आर्टिस्ट आए थे दे आर वेरी गुड, मतलब अनु सर थे, मतलब काफ़ी फैन थे, बाबा रघुवंशी जी आजकल बहुत पॉपुलर है, तो मतलब इट्स वेरी गुड। मतलब शूलनी फेस्ट पे इतने अच्छे अच्छे आर्टिस्ट आए तो इट्स वेरी गुड। बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि हम लोग हिमाचली जो कल्चर है और हिमाचली जो आर्टिस्ट है उन लोगों को आगे प्रोत्साहन मिल रहा है, तो बहुत अच्छी बात है ये। क्योंकि मुंबई ठीक है सब लोगों को मौका मिलना चाहिए, लेकिन अगर हम अपने लोकल कल्चर को ज़्यादा लोकल आर्टिस्ट को ज़्यादा प्रमोट करोगे तो वो ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा। प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, आर्टिस्ट बहुत अच्छे हैं, मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, इनफैक्ट क्राउड बहुत ज़्यादा है आई गेस पिछली बार की कंपैरिजन में, लेकिन अभी इट्स वेरी गुड। मतलब कार्यक्रम में वक्त हो गया एक और ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।